55 साल बाद भारत और चीन एक बार फिर जंग के दौराहे पर खड़े हैं। चीन एक से एक तकनीक से लैस सैन्य शक्ति वाले ऐसे मुल्क के तौर पर बदनाम है जो किसी की नहीं सुनता, बस अपने मन की करता है। अमेरिका जैसा दुनिया का सबसे ताकतवर देश भी चीन से उलझने से पहले हजार बार सोचता है। रूस जैसा दुनिया का नंबर दो शक्तिशाली देश भी चीन के साथ दोस्ती रखने में अपनी भलाई समझता है। ताइवान, हांगकांग, तिब्बत सब चीन से डरते हैं। तो क्या जिस चीन से लगभग आधी दुनिया डरती है उससे भारत को भी डरने की जरूरत है? इस सवाल के जवाब में हम आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रखते हैं जिन्हें जानकर आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि सबको डराने वाला चीन इस बार भारत पर हमला करने से पहले आखिर खुद इतना क्यों डर रहा है। पहली वजह, भारत भी बन चुका है ग्लोबल पावर। वर्ल्ड पावर ग्लोबल रैंकिंग के हिसाब से माने तो चीन भारत से भले ही मजबूत हो, लेकिन भारत भी उससे बहुत पीछे नहीं है। इस रैंकिंग में अमेरिका नंबर वन पर है, रूस नंबर दो पर और चीन नंबर तीन पर, लेकिन चीन के नीचे चौथे पायदान पर भारत ही खड़ा है। यानी भारत चीन को कड़ी टक्कर देने का भरपूर मात्रा रखता है। दूसरी वजह, इंडियन आर्मी हुई पहले से ज्यादा मजबूत। 1962 में भारतीय सेना हर क्षेत्र में चीन के मुकाबले काफी कमजोर थी। भारत की सैन्य ताकत उस वक्त चीन की ताकत की चौथाई भी नहीं थी, लेकिन अब हालात दूसरे हैं। कुल सेना के मामले में भारत के पास 42 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, तो वहीं चीन के पास करीब 38 लाख सैनिक हैं। भारत के पास 13 लाख सैनिकों की एक्टिव आर्मी है, वहीं चीन के पास 22 लाख एक्टिव सैनिक हैं। भारत के पास 2100 एयरक्राफ्ट है तो चीन के पास 2900। टैंकों के मामले में भारत के पास 4426 टैंक हैं, तो वहीं चीन के पास 6457 टैंक। यानी सेना के हर क्षेत्र में भारत चीन के आसपास ही खड़ा है। तीसरी वजह, चीन की गुप्त स्ट्रेटजी पर भारत की पैनी नजर। 1962 में भारत की हार की बड़ी वजह थी चीन के धोखे को न समझ पाना। चीनी सैनिक अचानक भारतीय सीमा में घुस आए थे और फिर भारत को जंग हारनी पड़ी थी। लेकिन आज भारत पहले से ही चीन को लेकर सचेत है। डोकलाम में चीनी सैनिकों के जमावड़े पर ड्रोन ने नजर रखी है। भारतीय सेना ने 1962 के बाद तीन और जंगें लड़ी हैं और जीती भी हैं। वहीं चीन का सेना एक फूला हुआ ऐसा गुब्बारा है जो जंग नहीं लड़ती। चौथी वजह, हर तरफ सीमा विवाद में उलझा है चीन। चीन तकरीबन 18 देशों के साथ अलग अलग सीमा विवादों में उलझा हुआ है। उनमें से एक भूटान वाला विवाद भी है। इसके अलावा वो वियतनाम, जापान, नेपाल, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया और ताइवान से भी उलझता रहता है। यहाँ तक कि उसके अपने दोस्त उत्तर कोरिया के साथ दो इलाकों को लेकर भी झगड़ा है। अमेरिका के साथ भी चीन की नोकझोंक आम है। ऐसे में चीन के दुश्मन ज्यादा हैं और भारत के साथ सीमा विवाद अगर युद्ध के मोड़ पर पहुंचता है तो फिर चीन के बाकी दुश्मन निश्चित तौर पर भारत के साथ ही खड़े नजर आएंगे। पांचवी वजह, भारत की बुलंद परमाणु ताकत। भारत लगातार अपने परमाणु हथियारों को आधुनिक बना रहा है। डिजिटल जर्नल आफ्टर मिडनाइट के मुताबिक भारत एक ऐसी मिसाइल बना रहा है जिसे दक्षिण भारत में तैनात कर पूरे चीन को निशाना बनाया जा सकता है। इस तरह चीन भी जानता है कि भारत से भिड़कर वो सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करेगा। अमेरिका से होड़ रखने वाला चीन भारत के साथ जंग में उलझकर अपनी रफ्तार को धीमी नहीं करना चाहेगा। यही वजह है कि 55 साल बाद बदली परिस्थितियों में चीन भले ही जंग की हुंकार भरे, मगर भारत के सख्त तेवरों के सामने वो बार बार सिर्फ डर दिखाएगा, जंग नहीं छेड़ेगा।